हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो ये वीडियो है पार्ट नंबर ट्वेंटी थ्री गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन की एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैबलेट कैप्सूल्स एंड पेरेंट्रल्स के ऊपर सिक्सटी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सी क्यू सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए एंड यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से तो so, पहला क्वेश्चन है एन डी एज़ फाइल्ड एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेज एन डी ए दैट इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये किस स्टेज पर फाइल की जाती है सो आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ फेज थ्री सो फेज़ थ्री के बाद में न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो फाइल की जाती है सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स मीन्स तो बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट क्या होता है सो बोल्टिंग ऑफ ल्यूब्रिकेंट टर्म तब यूज़ की जाती है जब हमारा जो लिबरिकेंट है वो हंड्रेड मैश ऑफ नाइलोन क्लोथ से पास हो जाता है सो ऑप्शन बी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड बाइंडर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड बाइंडर कौन सा है सो इट इज पी वी पी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ दॉलोइंग इज अ पी एच सेंसिटिव बायो इरोडिबल पॉलीमर पी एच सेंसिटिव बायो इरोडिबल पॉलीमर कौन सा है सो इट इज पोली मिथाक्राइलेट पोलीमिथाक्राइलेट इज अ पी एच सेंसिटिव बायो इरोडिबल पॉलीमर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म्स इज अस्ट ऑब्जॉर्व सो डिजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी डोजर फॉर्म जो है वो सबसे कम अब्जॉर्ब होगी तो so, जो हमारी कॉटे टैबलेट्स हैं वो सबसे कम अब्जॉर्ब होंगी जब हमें उसे डिजोल्यूशन के हिसाब से हम देखेंगे सो ये सो ऑप्शन ए इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द अब्जॉर्बशन ऑफ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टैबलेट इज द रेट ऑफ सो रेट लिमिटिंग स्टेप लिक्विड लिक्विड ड्रग की ऑब्जॉर्बेशन के लिए फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टेबलेट वो आपका होता है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सी जी एम पी इज सो सी जी एम पी की फुल फॉर्म क्या रहती है सी जी एम पी इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली बीगम इज सो बीगम केमिकली क्या रहता है सो केमिकली बीगम इज मैग्नीशियम अलुमिनो सिलिकेट। वीगम क्या होता है केमिकली मैग्नीशियम अलुमिनो सिलिकेट, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिपल ज़ीरो साइज कैप्सूल्स कैन फिल वॉल्यूम ऑफ तो ट्रिपल ज़ीरो साइज के कैप्सूल्स जो हैं उसमें कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई रहती है सो इट कंटेन्स वन पॉइंट थ्री सिक्स एम एल वॉल्यूम सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर एंड द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज भी आपका ट्रिपल जीरो साइज कैप्सूल ही होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय सो कैप्सू पैलेट्स की फिलिंग कैप्सूल्स में किसकी हेल्प से की जाती है सो इट इज़ डन थ्रू रोटोफिल ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग ऑफ लिक्विड्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय सो so, पैलेट्स की फिलिंग होती है रोटोफिल से एंड कैप्सू लिक्विड की फिलिंग होती है क्वालीसील से ऑप्शन बी इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन लाइजोम लाइपोजोम सो लाइपोजोम्स में किस टाइप का ड्रग जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सो so, इसमें आपका लिपोफिलिक ड्रग एज वेल एज हाइड्रोफिलिक ड्रग दोनों ही टाइप के ड्रग्स जो हैं वो इसमें इंकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं आपके लाइपोजोम में सो ऑप्शन सी बोथ इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एन इज विद विच टाइप ऑफ पॉलीमर सो डी एन ए किस टाइप के पॉलीमर के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाता है सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद पॉजिटिवली चार्ज पॉलीमर एज वेल एज चिटोसेन सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पॉलीमर इज़ यूज इन माइक्रो अडेसिव सिस्टम एज बायो एडहेसिव पॉलीमर माइक्रो एडहेसिव सिस्टम में एज अ बायो एडेसिवल पॉलीमर कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है सो इट इज़ पोली एसिड पोली एक्राइलिक एसिड क्या है ये एक पॉलीमर है बायो एडहेसिव पॉलीमर है जो कि माइक्रो एडहेसिव सिस्टम में यूज़ किया जाता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इन टू टू और मोर डिस्टिंक्ट तो दो या दो से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में टैबलेट की अगर सेपरेशन होती है बेसिकली मोर देन टू लेयर्स हम बात करें तो so, उसे कहा जाता है लेमिनेशन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर तो वो टैबलेट्स जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है दीज टैबलेट्स आर नॉन एज

आप नॉइज विटनी इक्वेशन भी देखेंगे सो so, आप गूगल पे जाकर के नॉइज विटनी इक्वेशन आपको इजीली मिल जाएगी या किसी भी रेफरेंस बुक में तो नॉइज विटनी इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सुलज सो ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन की रेशियो कितनी होती है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए तो so, ये हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की रहती है ज़ीरो पॉइंट फोर रेशियो वन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज एक्सटेंसिवली अप्लाइड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर्स कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो पॉलीमर्स के मॉलिकुलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए अप्लाई की जाती है सो so ये आपकी प्रॉपर्टी रहती है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द स सर्फेस ऑफ द टैबलेट इज सो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर की टैबलेट के सर्फेस पे इसको कहते हैं मॉटलिंग इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ टैबलेट सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर सो डिफेक्ट के ऊपर आपको सभी एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा तो so डिफेक्ट्स आपको सारे पढ़ने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेचर ऑफ यूड्रागेट इज सिमिलर टू सो इड्रोगेट का केमिकल नेचर किस अदर केमिकल के सिमिलर रहता है तो इट इज मीथाक्राइलेट मीथाक्राइलेट के सिमिलर जो है वो इड्रोगेट का केमिकल नेचर होता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड वेन एसिडिक मीडियम इज यूज सो डिजोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स में कौन सी कोटेड बास्केट को प्रेफर किया जाता है जब एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं तो एसिडिक मीडियम के केस में जो आपकी कोटेड बास्केट रहती है वो आपकी रहती है गोल्ड की गोल्ड कोटेड बास्केट जो है वो इसमें प्रेफर की जाती है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मूलेशन इज तो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मूलेशन के लिए मेजर प्रॉब्लम कौन सी रहती है तो so, इसमें डोज डंपिंग जो है वो आप मोस्ट ऑफ केसेस में देखेंगे इसके अलावा थेरापूटिक ऑक्यूपेंसी टाइम को मेंटेन करना भी इसमें एक प्रॉब्लम रहती है आपकी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मूलेशंस के लिए तो so, इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्ग्रीडियंट्स इन्हांसिस द डिजोल्यूशन ऑफ हाइड्रोफॉबिक ड्रग तो so, कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो हाइड्रोफॉबिक ड्रग्स की डिजोल्यूशन को एनहांस करता है किस कैटेगरी के ड्रग्स को हाइड्रोफॉबिक ड्रग्स को इनकी डिजोल्यूशन को एनहांस करता है सो so, ये इंग्रेडिएंट है आपका लेक्टोस लेक्टोस जो है वो हाइड्रोफॉबिक ड्रग्स की डिजोल्यूशन को एनहांस करता है सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इन विट्रो एंड इन विवो कोरिलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजोल्यूशन पैरामीटर्स इज एक्सटेंसिवली यूज तो इन विट्रो ये इन वीवो आई वी आई वी सी के लिए कौन सा डिज़ोल्यूशन पैरामीटर जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है सो so ये आपका रहता है परसेंट ऑफ ड्रग डिज़ोल्व कितना परसेंट ड्रग डिज़ोल्व होता है ये एक पैरामीटर रहता है आई वी आई वी सी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स डेट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट अ डिजायर टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफ़ेक्ट आर सो ऐसी कौन सी टैबलेट्स होती हैं जिनको ओरली एडमिनिस्टर करवाने के बाद जो कि ड्रग को लंबे टाइम तक जो है वो इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं सो दीज आर सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है so, द फॉलोइंग इज द फिलिंग प्रिंसिपल इन द कैप्सुल फिलिंग मशीन एक्सेप्ट तो इनमें से कैप्सुलिलिंग मशीन का फिलिंग प्रिंसिपल कौन सा नहीं है सो ऑबर फीलिंग बाइब्रेटरी फिलिंग डोजेटर फिलिंग ये तीन जो है वो मेन फिलिंग प्रिंसिपल रहते हैं कैप्सुल फिलिंग मशीन में लेकिन होपर फीलिंग जो है ये आपका नहीं रहता है सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द कैपुल इमप्रिंटिंग मशीन एक्सेप्ट इनमें से कैप्सुल इमप्रिंटिंग मशीन कौन सी नहीं है तो so इसमें आपकी हार्टनेट मार्केम एक्ले ये तीन आपकी कैप्सुल इमप्रिंटिंग मशीन हैं लेकिन मैकोफर इज नॉट अ कैप्सुल इमप्रिंटिंग मशीन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है

वही रेट आपका रेट कंट्रोलिंग स्टेप रहता है मोनोलिथिक डिवाइस ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ वन टैबलेट वॉज फाउंड टू बी वन थर्टी सेवन पॉइंट थ्री एम जी एंड वेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट वॉज सेवेंटी फाइव पॉइंट टू एम जी तो अकॉर्डिंग टू आई पी वट विच इज द वेट वेरिएशन लिमिट फॉर दिस टैबलेट तो यहाँ पे टैबलेट दी गई है कि टैबलेट का वेट जो है वो 137.3 थर्टी है जिसमें वेट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो आपका 75.2 फाइव है सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितनी वेरिएशन उस टैबलेट में हो सकती है ठीक है so, सो इसमें फाइव परसेंट जो है वो आपकी वेरिएशन हो सकती है मीन फाइव परसेंट ऊपर भी हो सकता है और फाइव परसेंट नीचे भी हो सकता है सेवेंटी टू एटी परसेंट के अगर बीच में आपका ड्रग रहेगा तो विल बी गुड क्वेश्चन केमिकल क्या नेचर रहता है पोली मिथाक्राइलिक एसिड मिथाइल मिथाक्राइलेट वन रेशियो टू में तो so, ये कंपोजिशन इसकी रहती है पोली क्राइलिक एसिड वन रेशो में पोली मिथा मिथाइल क्राइलेट यह आपका टू रेशो में तो so यह आपकी यूड्रागेट एस की कंपोजिशन रहती है तो ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलार्ड्स रिएक्शन इन टेबलेट फॉर्मुलेशन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मिलार्ड रिएक्शन टैबलेट फॉर्मुलेशन में किस रीजन की वजह से होता है तो ऑप्शन ए है लेक्टोस रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन अबसेंस ऑफ मेटल स्टेरेट सो ये गलत है लेक्टोस रिएक्ट विद अमाइनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टेरेट तो मेटल स्टेरेट की प्रेजेंस में लेक्टोस uh, जो है वो अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो so, ये स्टेटमेंट करेक्ट है सो so, इसमें ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एनकेप्सुलेशन टेक्निक एक्सेप्ट तो इनमें से एनकेप्सुलेशन टेक्निक का टाइप कौन सा नहीं है सो so, इसमें आपका एयर सस्पेंशन पैन कोटिंग स्प्रे ड्राई कंजीलिंग ये आपके एनकेप्सुलेशन टेक्निक्स हैं डिफरेंट लेकिन कंप्रेशन कोटिंग जो है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एनकेप्सुलेशन टेक्निक सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल इज सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल शेल के लिए स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए सो इट शुड बी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ तो ओपलेक्स क्या है तो so ओपलेक्स जो है वो एक ओपेक्वेंट कलर कंसनट्रेट है शुगर कॉटिंग के लिए ओपलेक्स इज ओपेक्वेंट कलर कंसनट्रेट फॉर शुगर कॉटिंग सो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर ऑब्जॉर्बन डिक्रीजेज इन दर्डर तो ड्रग की अवेलेबिलिटी ऑब्जॉर्बेशन के लिए किस ऑर्डर में डिक्रीज होगी डिफरेंट फॉर्मलेशन के लिए डिफरेंट तो so, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी रहेगी कैप्सूल्स में देन आपकी आएगी टैबलेट्स में देन कंप्रेस टैबलेट्स एंड देन आपकी आएंगी इंटेरिकॉटे टैबलेट्स सो so, इसी का सिमिलर क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था सो so, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इस बार भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए स्टैंड्स वो सो एनडीए क्या है सो एनडीए इज़ न्यू ड्रग एप्लीकेशन सो फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है इट इज अ न्यू ड्रग एप्लीकेशन ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इज हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए ड्राई जेलेटिन टू ड्राई सॉरी ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन रेशियो कितनी होनी चाहिए सो इट शुड बी जीरो पॉइंट फोर रेशो वन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट कंटिन्यूस फॉर फिलिंग ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो कंटीन्यूस नहीं है सो प्लेट प्रोसेस प्लेट प्रोसेस जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की फिलिंग के लिए रोटरी डाई प्रोसेस रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस एंड एक्कोजल स्टर्न मशीन ये आपके कंटिन्यूस प्रोसेस हैं So, इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई इज सो ओपे ड्राई क्या होता है ड्राई so, वो ओपेक कलर कंसन कंसनट्रेट होता है फिल्म कोटिंग के लिए इट इज ओपेक कलर कंसंट्रेशन फॉर फिल्म कोटिंग सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज इज स्टिकिंग प्रॉब्लम इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो स्टिकिंग प्रॉब्लम कोज करेगा तो इट इज़ स्टेरिक एसिड स्टेरिक एसिड जो है वो आपकी स्टिकिंग प्रॉब्लम्स कोज करेगा सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन डी ए स्टैंडस होम तो एन डी ए की क्या रहती है तो ए एन डी ए इज एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एंड एनडीए जो है वो आपकी रहती है न्यू ड्रग एप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया इंडियन फार्माकोपिया में इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं है तो फ्राइबिलिटी डिसइंटीग्रेशन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट हार्डनेस सो इनमें से हार्डनेस जो है वो आपका इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल्क शुड नॉट बी यूज एज लुब्रिकेंट इन केस ऑफ ड्रग्स सो ड्रग्स के केस में टेल्क को एज अ लुब्रिकेंट यूज नहीं किया जाना चाहिए सो so, इसके पीछे का जो रीजन है वो है कि टेल्क शुड नॉट बी यूज एज लुब्रिकेंट इन केस ऑफ ड्रग्स उन ड्रग्स के लिए जिनका ब्रेकडाउन जो है वो कैटलाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ऐसे तो ड्रग्स जो कि ब्रेक डाउन होते हैं आयरन के प्रेजेंस में उन ड्रग्स के केस में टेल का यूज एज ल्यूब्रिकेंट नहीं किया जाना चाहिए सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है ट्रॉचिस एंड लोजेंजिज एफरमेशन टेबलेट्स टेबलेट दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स लेकिन पेस्टरीज है वो आपकी पॉजिटरीज so, होती है इट इज ए नॉट अ टाइप ऑफ टेबलेट सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोप्रिएट पार्टिकल साइज ऑफ माइक्रो कैप्सूल यूजिंग सॉल्वेंट इवेपोरेशन इज सो माइक्रोकैपूल का अप्रोक्सीमेट पार्टिकल साइज कितना होना चाहिए यूजिंग सोलवेंट इवेपोरेशन सो इट शुड बी फाइव टू फाइव थाउजेंड माइक्रोमीटर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए जेलेटिन एग्जिबेट एन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एट पी सो टाइप ए जेलेटिन का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितने पी पे रहता है सो इट इज एट पी एच नाइन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वहीं टाइप बी की बात की जाएगी तो वहां पे आपका फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा या अराउंड फाइव के अप्रॉक्स इसमें रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज यूज कलरेंट जो है वो शुगर कोटिंग प्रोसेस के किस स्टेप में यूज किया जाता है तो इट इज़ यूज इन सिरपिंग सिरपिंग स्टेप में आपका कलरेंट का यूज किया जाता है सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज वर्स्टर प्रोसेस को क्या कहा जाता है सो इट इज ऑल्सो नोन एज एयर सस्पेंशन कोटिंग ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इन पॉलीमर वाटर इन पॉलीमर कौन सा है इट इज इथाइल सेल्युलोस इथाइल सेलुलोस इज अ वाटर इन पॉलीमर सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तो so, कैपिंग का रीज़न क्या रहता है कैपिंग इज़ ड्यू टू एयर इंटरपमेंट टू हाई कंप्रेशन फोर्स और टू रैपिड एक्सपेंशन सो ये कुछ सबरल रीजंस रहते हैं कैपिंग डिफेक्ट के लिए so, इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइज अकोमोडेट्स द हाइएस्ट वॉल्यूम सो कौन सा कैप्सूल साइज जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम अकोमोडेट करता है तो हाईएस्ट साइज जो है वो आपका रहता है ट्रिपल जीरो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एंड स्मॉलेस्ट आपका रहता है फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आई पी द परसेंटेज ऑफ सुक्रोस इन सिंपल सिरप इज़ इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग सुक्रोस की परसेंटेज सिंपल सिरप में कितनी रहती है तो इट इज़ सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट वेट बाय वेट ठीक है इसके यूनिट आपको याद रखनी है कितनी होती है वेट बाय वेट इसकी परसेंटेज रहती है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन कंसिस्ट ऑफ डैश ग्लूको यूनिट्स बीटा साइक्लोडेक्सट्रीन में ग्लूकोपायरोनोस यूनिट्स कितनी रहती हैं तो इसमें आपकी सेवन ग्लूकोपायरोनोस यूनिट्स होती हैं किसमें बीटा डेक्सट्रीन में सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिस्पर्जन ऑफ सल्फर इन वाटर अकेशिया इज यूज एज सल्फर इन वाटर डिस्पर्जन में अकेशिया का क्या यूज रहता है तो अकेशिया जो है वो यूज होता है एज अ वेटिंग एजेंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट सॉलीबिलिटी सो किस फॉर्म की स्टेबल सोलिबिलिटी uh, जो है वो हाइएस्ट रहेगी तो हाइएस्ट सॉलिबिलिटी होती है आपकी मेटा स्टेबल फॉर्म की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रग डॉम्पोजिशन इज एक्सप्रेस्ड बाय सो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस ड्रग डी पे ये एक्सप्रेस होता है वायदा आरहीनियस इक्वेशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन सो ड्रग्स की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस किस में दी गई हैं सो इट इज़ गिवन इन आई एंड यू दोनों में ही आपको गाइडलाइंस मिलेंगी ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स सो ऑप्शन सी बोथ इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ वाटर इज एसोशिएटेड विद लॉस ऑफ वाटर किसके साथ एसोशिएटेड है सो इट इज़ एसोशिएटेड विद इफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सो यहाँ पे हमने सिक्सटी एम सी के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं टेबलेट कैप्सूल्स एंड पेरेंटल्स के ऊपर जो कि आपका मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का सब टॉपिक्स हैं सो so, इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच